नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूँ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। ई रिक्शा चालकों ने किया नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, फिर दिल्ली के लिए कर दिया रवाना। गाजियाबाद में ई रिक्शा चालकों ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया है। दोनों आरोपियों ने पीड़िता को दिल्ली ले जाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बस में बिठाकर फरार हो गए। गाजियाबाद से अगर यह खबर सामने आ रही है, गाजियाबाद में महिला सुरक्षा को लेकर प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पुलिस प्रशासन आए दिन महिला सुरक्षा को लेकर विभिन्न दावे करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही देखने मिल रही है। मंगलवार को दो ई रिक्शा चालकों ने गाजियाबाद में एक लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल लड़की नाबालिग घर से नाराज होकर दिल्ली जाने के लिए निकल गई थी, लेकिन उसी दौरान आरोपियों ने लड़की को भैला फुसला कर लड़की के साथ दुष्कर्म किया। घर से नाराज होकर लड़की निकलने के बाद वह उसे अनबन में फंसा ले गए। दिल्ली जाने के लिए निकल गई, रास्ते में पीड़ित लड़की को ई रिक्शा दिखाई दी जिसमें आरोपी बैठे थे। दोनों आरोपियों ने लड़की से पूछा कहाँ जाना है। इस पर लड़की उनसे कहीं दिल्ली जाने को बोला। आरोपियों ने पीड़िता को दिल्ली ले जाने के झांसा देकर ई रिक्शा में बिठाया, 3-4 घंटे तक घुमाते रहे। इसके बाद दोनों आरोपियों ने लड़की को एक निर्माणधीन मकान में ले जाकर उसका रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने दिल्ली जाने की वाली रोडवेज बस में लड़की को बिठा दिया। नाजिम और जाहिद ने लड़की का दुष्कर्म किया है और लड़की के पास किराए के भी न पैसे होने की वजह से गाजियाबाद LIT चौराहे पर वह उतर गई, जहां बीती रात 12:30 बजे लड़की परेशान हालत में पुलिस को नजर आई। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने घटना की जानकारी दी और बताया कि मुरादानगर की रहने वाली है, और जिसके बाद मुरादानगर थाने पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पीड़िता लड़की मुरादानगर थाने भेज दिया गया। परिजनों को भी घटना की सूचना दी गई। पीड़ित लड़की के परिवार की शिकायत को लेकर द्वारा तत्परता दिखाते हुए मुकदमा पंजीकृत दिखाया किया गया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। मैनुअलेशन और एंटिलेज के भी सर्वेलेंस में भी यह मदद के लिए मुरादानगर पुलिस द्वारा घटना में शामिल दोनों आरोपी नाजिम और जाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इस्तेमाल किया गया ई रिक्शा और आरोपियों से बरामद किया गया है। ऐसी खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।